नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, एक बार पुनः आप सब लोगों के बीच में गेहूं की खेती का वर्णन करते हुए आए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी गेहूं की खेती ये लगभग आज 23 दिन की हो गई है। इसमें हमने 2 दिन पहले ही सिंचाई की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपको अब दिखाएँगे कि सिंचाई करने से और आखिरकार सिंचाई क्यों 21 दिन 22 दिन बाद ही 21 से 25 दिन बाद क्यों की जाती है। आपने देखा होगा कि अब आपको आज दिखाइए, जैसा कि हम आपको अपना गेहूं का ये पेड़ है, इसको हम आपको 2-3 पेड़ उखाड़ के आप लोगों के बीच में हम दिखाएंगे। देखिए किसान भाइयों, जैसे कि हमारे पास 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 पेड़ हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये केवल हमारी 23 दिन की फसल है। 23 दिन में आप देख सकते हैं, इसमें हम आप आइए पास दिखाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो छोटी छोटी हैं ये देखिए, ये जो जड़ें हैं ये इसकी हैं प्रथम जड़। प्रथम जड़ के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मूल जड़ निकल रही है, इसे बोलते हैं द्वितीय जड़। अब मामला क्या होता है कि पहले पानी के बाद, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंचाई के बाद का गेहूँ है। अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद अभी दिखाएँगे, हमारे पास में हमने देखिए बगल में दिखाइए, बगल में यहाँ पर हमने एक ही दिन और एक ही समय में एक ही वैरायटी का गेहूँ ट्रायल के रूप में लगाया था। ये हमारी फील्ड है और पास में ये हमारी गेहूँ की फील्ड जिसमें हम पानी लगा चुके हैं। बगल में दिखाइए इनको किसान भाइयों को, एक ये फील्ड देख लीजिए और एक इसको दिखाइए, यहाँ पे देखिए। अब हम आपको इसके कुछ पेड़ उखाड़ के ट्रायल के रूप में आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों 21 दिन के बाद इसमें पानी लगा देना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने गेहूँ के भी कुछ पौधे उखाड़े हैं, हम आपको अब इसमें आप कंपेयर करिए। ये गेहूं देखिए किसान भाइयों और ये गेहूं देखिए, ये 21 दिन बाद पानी लगने वाला है और इसमें अभी पानी नहीं लगा है। ये हम ट्रायल के रूप में सभी किसान भाइयों को दिखाने के लिए इसमें पानी लगा दिए हैं, अब इसमें हम पानी बाद में लगाएंगे। तो भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा गेहूँ अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लगा। इसमें देखिए टिलेरों की या कल्लों की संख्या भी ज़्यादा है और इसमें देखिए अभी कल्ले नहीं निकले हैं। तब इसमें हम पानी लगाएंगे तब इसमें कल्लों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। अब आपको हम बताएं कि अब कैसे आप कल्लों की संख्या इसमें बढ़ा सकते हैं। अब आइए हम आपको मेन फील्ड दिखाएं जिसमें ये है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या किया, पानी लगा दिया है। अब पानी लगाने के बाद हम इसमें यूरिया का बहुत, किसान भाइयों आप लोग भी बहुत यूरिया का प्रयोग करते हुए ताकि कल्लों की संख्या बढ़ जाए और अधिक से अधिक पैदावार आपके माने अधिक से अधिक उत्पादन हो मिले ताकि आपको। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर यूरिया के साथ साथ हम और कौन से उर्वरक का प्रयोग करके और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आपने जब बुआई की होगी तो आपने DAP का यहाँ पे प्रयोग किया होगा। DAP में जो होता है वो 46% फॉस्फोरस एवं 18% यूरिया नाइट्रोजन पाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर इसमें यूरिया के साथ साथ आप थोड़ा फिर से सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट या ट्रिपल सुपर फास्फेट, किसी तीन में से कोई भी आप एक का प्रयोग करते हैं यूरिया के साथ, तो इसमें क्या होता है कि फास्फोरस का जो मेन वर्क होता है किसान भाइयों, वो होता है जड़ों को मजबूती प्रदान करना। इससे क्या होता है, आपकी जड़ें मजबूती होंगी, तो जैसे ही जड़ें जितनी मजबूती होंगी उससे ही कल्लों की संख्या भी ज़्यादा होगी और वो मजबूत होंगे। अब जब आप इसमें दूसरा पानी लगाएंगे, पानी के साथ साथ अभी आपने देखा होगा कुछ क्षेत्रों में हवा बहुत तेज चलती है जिससे पूरी की पूरी फसल लास्ट में आते आते पकने को तो पूरी गिर जाती है, तो उससे समस्या से निजात मिलेगा फास्फोरस का प्रयोग करने के बाद। जैसा कि किसान भाइयों, ये तराई के क्षेत्र में, हमारे तराई के क्षेत्र में जिंक की बहुत कमी पाई जाती है। अगर आपको बढ़िया उत्पादन लेना है, गेहूँ की क्वालिटी अच्छी रखनी है ताकि उसका मार्केट में रेट बहुत बढ़िया आपको मिले, तो आपको फास्फोरस नाइट्रोजन के साथ साथ कुछ मात्रा जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, आज हमारा उद्देश्य यही था कि आप कैसे कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ाएँ और अधिक से अधिक उत्पादन लें।